बिल्कुल बिल्कुल अभी इसमें हम एक क्वेश्चन आता है हमेशा, वो क्वेश्चन ही आता है। अब जो है तो अखबारों के अंदर या टीवी के अंदर जो है जोशी आगे लग जाएंगे बोलने के भी, 15 अगस्त 1947 का इंडिया का चार्ट लगाते हैं और ये होता है आज इंडिया का क्या होगा। ठीक है, तो मौसम को छोड़ देते हैं, मौसम की भविष्यवाणी का तो हम कुछ कर नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूँ कॉरपोरेट एस्ट्रोलॉजी जो, तो कोई भी कॉरपोरेट है जैसे अंबानी हो गया, तो उसकी कंपनी क्या चलेगी, टाटा की कंपनी क्या चलेगी, अडानी कंपनी क्या चलेगी, एक छोटा आदमी है उसकी अपनी बिजनेस क्या चलेगा। ठीक है, तो सबके लिए हमें उसके जो चीफ है उसको देखना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर कंपनी है अगर टाटा की, टाटा ग्रुप कैसे करेगा उसको हमको रतन टाटा जी को देखना पड़ेगा। अंबानी की ग्रुप कैसे करेगा, अंबानी करेगा। अंबानी की अपनी अपनी छोटी और छोटी नहीं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपनी होंगी तो उनके अपने सीईओ होंगे, तो हमको उनकी पत्री देखनी। तो इसका एक बड़े आइडिया आपको मिल जाएगा। जैसे इंडिया का भी हमने देखना, तो इंडिया को जो रूल कर रहा है प्रधानमंत्री रूल करता है, तो मैंने सारे प्रधानमंत्री लिख दिए। ठीक है प्रीति जी, आप चले जाओ, करवा दिए, मैं वीडियो आपको दे दूंगा। ये सिर्फ प्रूव करने के लिए है कि हमें जिस समय पर देश आजाद हुआ या देश की स्थापना हुई 1776 को, वो अमेरिका बना था, तो हम उसकी हॉरोस्कोप लगाएं या उसके प्रेसिडेंट की हॉरोस्कोप लगाएं, तो इस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर की हॉरोस्कोप लगाएं, तो आपको क्लियर हो जाएगा ऐसा। तो जब पहले नेहरू जी थे, तो नेहरू जी जो है 46 से लेकर 1946 से लेकर 1946 से लेकर 27 मई 1964, ठीक है ना, याद रखें। ठीक है, तो अब उनका देश चलाने का क्या तरीका होगा, वैसे ही देश चलेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि नेहरू जी जो टोटल 5 अखबार थे ना, तो तेजी बच्चन हो गई, लेडी माउंटबेटन हो गई, तो लेडी माउंटबेटन मार गई तो झंडा हमारा नीचे हो गया था। ठीक है, मतलब ये हालत थी तानिया जी की। एक आदमी था, उसने चिट्ठी लिखी 1974-75 की बात हो गई, मेरे को एक्चुअली क्लियर नहीं है। तो उसने चिट्ठी लिखी, जी मेरी प्रमोशन नहीं हुई, मेरी प्रमोशन की जाए। तो तमिलनाडु के अंदर, तो तमिलनाडु का जो चीफ सेक्रेटरी था, तो उसने पूछा कि आप अपना ओहदा बताइए कि आप किस ओहदे पे काम कर रहे हैं, तो आपकी प्रमोशन देखा जाए भी क्या काम है उससे। आप बोलते मैं अपनी ओहदा नहीं बता सकता, मैं किस ओहदे पे काम करूं, लेकिन मैं ये बताता हूँ, मैं 10 साल से ऊपर हो गए मेरे को काम करते, लेकिन मेरे जो है वो नहीं बढ़ रही, प्रमोशन नहीं हो रही। ठीक है, अब वो चीफ सेक्रेटरी उसको इन्वेस्टिगेट करना है भी क्या गाड़ी है। उसने इन्वेस्टिगेट किया, तो उसकी जो वो था क्या नाम है, वो जो काम करता था उसका काम क्या था, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका प्राइम मिनिस्टर कौन था, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मिस्टर चर्चिल। ठीक मिस्टर चर्चिल, तो मिस्टर चर्चिल जो है उसका पीएम था। ठीक है, ठीक है, ये सेकेंड वर्ल्ड लिखा है पीछे बोल के। तो उसकी जो डेजिग्नेशन थी
उसकी डेजिग्नेशन थी सीसीए, उसकी डेजिग्नेशन थी सीसीए। तो जब विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच बना था, जब बम्बारमेंट की थी उसने, क्या नाम है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तब बना था, बम्बारमेंट की थी उसने हिटलर ने लंदन में, तो चर्चिल था। तो चर्चिल जब बना था मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, तो उसने एक पोस्ट बनाई थी इंडिया के अंदर, चर्चिल सिगार असिस्टेंट। तो उस बंदे का काम था कि वो चर्चिल को सिगार बेचता था कोयम्बटूर से, कोयम्बटूर से जो है वो सिगार बेचा करता था, और वो 74-75 तक उसको सिगार बेचता था। आप सोचो कि चर्चिल मर भी चुका था, ये हालात थे हिंदुस्तान में गवर्नमेंट के जिस समय पे कांग्रेस की गवर्नमेंट, और वो प्रमोशन मांग रहा है, कर क्या रहा है आपको जी समझ में। चर्चिल को तो मरे कितने साल हो गए, और तो 50s में मरा गया, मतलब ये हालात। और नेहरू जी क्या काम करते होंगे, मतलब आपको पता ही है कि नेहरू जी ने एक किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लिखी थी लिखवाई थी, ये तो किसी को पता नहीं, क्योंकि लिखा पढ़ा तो कोई खास था नहीं। जो भी बंदा इंडिया से बाहर पढ़ने गया नॉर्मली वो कम यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है, तो यूक्रेन क्यों पढ़ने जाते हैं बच्चे, पता नहीं हमें, ठीक है ना, जो बच्चे यहाँ कोप अप नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया का जो निचोड़ था वो ये था कि किसी भी कंट्री को यूनिटी होनी चाहिए उसके अंदर, इंफॉर्मेशन बहुत बढ़िया होनी चाहिए, और अपने आम सेमिनेशन जो है उसको बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए। तीन चीज लोनी की भी इंडिया के गुलामी का कारण यही थे कि हम इकट्ठे नहीं थे, सब स्टेट्स इकट्ठी नहीं थी, तो अंग्रेजों से हम लड़ नहीं सके, हमारे अंदर आपस में एका नहीं था, नहीं तो हम मार देते, एक हमारे पे इक्विपमेंट नहीं थे, उनके पास अच्छी गन्स थी, और तीसरा जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की उन्होंने 1857 के अंदर सब इकट्ठे मिलके अगर अंग्रेजों के ऊपर अटैक कर देते तो तभी देश आजाद हो जाता। तो नेहरू जी को क्या करना चाहिए था, जब वो देश आजाद हो गया 1947 के अंदर, 46 में प्रधानमंत्री बन गए, 47 में देश आजाद हो गया, तो उनको क्या करना चाहिए था, आर्म्स अपने इक्विपमेंट नए खरीदने चाहिए थे, देश को इकट्ठा करना चाहिए था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए थी। तो देश को इकट्ठा किया किसने, पटेल ने, इकट्ठे करने का एक कश्मीर का काम दिया उन्होंने करा नहीं, और तोड़ दिया, रेड़ा बड़ा गर्क कर दिया। तो उसने उन्होंने आप मैं आपका टीवी चोरी करके चला जाऊं, तो आप जाओगे अगर पुलिस स्टेशन में तो खबर क्या लिखवाओगे कि बताओ कि टीवी किसका है, ये बोलोगे या बोलोगे टीवी ले गया मेरा। यो यूनाइटेड नेशन जिसकी कोई औकात नहीं थी, तब तक पता नहीं था चाइना है या ताइवान है उसका परमानेंट मेंबर, अभी वो बता रहे थे कि आप बन जाओ, उस जिस यूनाइटेड नेशन का कोई मुंह न मत्था, वो किसको इसको मानता नहीं, आज भी उसकी क्या औकात है आपको पता है, क्या उखाड़ लिया उसने रशिया का, या वो क्या उखाड़ लेता है यूएसए का, जब वो किसी भी उठा के अटैक करता है, वियतनाम को पीटता है, तो क्या कर लेते यूनाइटेड नेशन। उसके बाद नेहरू जी जाने जाते हैं कि जी बताओ जी कश्मीर किसका है, हमें तो पता ही नहीं, इकट्ठे नहीं किए। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हुई है 62 में जब वॉर हुई है, लंबी बात करने बहुत टाइम लग जाता है, तो हमें पता ही नहीं है कि लड़ कौन रहा है बॉर्डर के ऊपर, तो उनको रोटी मिल रही है नहीं मिल रही है, इज नॉट बॉदर्ड, ये हालात है, ठीक है। तो फिर जो है कि मैं पैदा हुआ तो उसके 27वें दिन जो है मोदी जी ये नेहरू जी की डेथ हो गई, तो मेरी मदर जो है बहुत जो है उस समय पे लोग बड़े इमोशनल होते थे, तो सबको बड़ा प्यार था चाचा जी के साथ। मामा जी क्यों नहीं है भैया, आप मामा जी क्यों नहीं हो, चाचा जी क्यों, बड़ी गहरी बात है, ठीक है, कबूतर क्यों उड़ाते हो, भैया क्यों नहीं उड़ाते, बड़ी समस्या है, ठीक है, चलो अब इसमें क्या बात करें। तो मम्मी मेरी गई बोली भाई इसको देखें, इसकी पतरी तो ऐसी खराब नहीं है, तो खा गया प्रधानमंत्री को, थोड़ा मुझे तड़का लगा के बोलना माता जी ऐसे नहीं, ऑब्वियसली। उसके बाद शास्त्री जी बने, आपको पता तो शास्त्री जी बने, तो हिंदुस्तान में दो बड़ी प्रॉब्लम थी, एक जो है कि हम अभी पिटे थे चाइना से, दूसरी प्रॉब्लम ये थी
कि नेहरू जी ने ये कहा था जब मैं मर जाऊं तो मेरी राख जो है पूरे देश में जो है फैला दी जाए, मेरे को देश से बड़ा प्यार है। तो जब राख फैलाई गई तो चादर लेके जो है बड़ी बड़ी चादरें से ले गए, किसान जो है कोशिश करते थे कि राख ना गिरे, लेकिन राख गिरी। 3 साल अकाल हुआ, 3 साल अकाल पड़ा। पढ़ लेना आप, बात गलत नहीं करता, मजाक में जरूर करता हूँ, लाइटली जरूर करता हूँ, बात मैं बिल्कुल साफ सुथरी और सच्ची करता हूँ। तो शास्त्री जी हैड टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। देश में सिर्फ 2 ही प्रधानमंत्री हुए आज तक, जिन्होंने जो आग खड़े होकर बोल दिया देश वही करता है, शास्त्री जी और दूसरे नमो मोदी जी। वो कहते थाली बजाओ तो लोग थाली बजाते हैं, लाइट बंद करो लाइट बंद करते हैं, लाइट जलाओ लाइट जला देते हैं। पटाखे का उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन पटाखे भी भिजवाएंगे, देख लेना आप, नहीं योगी जी करवा देंगे, कोई बात नहीं, मतलब जल्दी भी नहीं है, हम तो बजा ही रहे वैसे, हम पहुंचे रुक गए। तो शास्त्री जी जो है उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान। आपको पता नहीं है, मालूम नहीं, बट लोगों को ज्यादा पता नहीं है, लोगों को ज्यादा नहीं पता, अमूल को लाने वाले शास्त्री जी, वर्गीज कुरियन जो है उनके, मतलब जो है मतलब अमूल के संस्थापक रहे हैं। लेकिन जब तक पॉलिटिशियन नहीं करेगा तब तक कैसे गाड़ी चलेगी। तो अमूल इनके कहने पे आया। पाकिस्तान की वॉर जो 65 की हम जीते, तो यूएसए जो चाहता था अपने नए पैटर्न टैंक और सैबर जेट को इंडिया पे ट्रायल करने का, तो वॉर होगी, तो वॉर होगी तो आप, मैं इंडिया का नक्शा नहीं बनाता, क्योंकि इंडिया का नक्शा मैं चलो बना, यहाँ अभी तो आसान है यार, क्योंकि हम इंडिया का नक्शा यहाँ पर ले सकते हैं, क्या नाम है, तो हमारे पास जुगाड़ है, ठीक है ना, तो ले लेते हैं। तो एक पंजाब में जगह है, ठीक है, इंडियन का मैप ले ले, तरन तरन तारण, ठीक है, तरन तारण। तो तरन तारण पे जो है पंजाब कर लेते हैं, एपिसोड भी आया है, एक मूवी वो मुझे नहीं पता यार, मैं देख लेता हूँ, खैर एनीवे इसको देख लेता हूँ। तरन तारण, तो तरन तारण डिस्ट्रिक्ट पे, जो आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, तो बॉर्डर मूवी तो बड़ी मतलब छोटी सी चीज है, तरन तारण ही है, ठीक है। तो तरन तारण जो है उधर, ये कहाँ आ गया, तरन तारण नजर आ रहा है, हाँ ये तरन तारण, दिस प्लेस इज कॉल्ड तरन तारण, ठीक है। तो तरन तारण में बॉर्डर के ऊपर यहाँ पर टैंक खड़े हो गए, ठीक है, अमृतसर के साउथ में है ये, ठीक। अब यहां पर थे लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह जी, ठीक है, हरबख्श सिंह, जी नहीं लगाना है, लेफ्टिनेंट जनरल से पकड़ेगा ये, ठीक है। ये हरबख्श सिंह जी है, लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह जी जो है ये इधर खड़े हैं और टैंक यहाँ खड़े हैं, जैसे वो सन्नी देओल खड़ा था, और हमारे पास तो जो है बंदूकें थी सिर्फ, और जीप थी 2-4, उस पर गन लगी होती है, जो गन जीप वाली गन नहीं थी। अब उसके बाद टैंक है, वो टैंक लेके अंदर घुसे चले आ रहे हैं, और हमारे पास कोई एयरफोर्स नहीं है, समझ लो, तो क्या होगा, बॉर्डर पिक्चर में तो हमारे पास हवाई जहाज आ गए ना, तुम बच गए थे तो क्या होगा। तो 65 की वॉर में इधर से टैंक खड़े हैं, इधर हरबख्श सिंह जी खड़े हैं, और इनके जो डिप्टी थे दैट वाज अमरिंदर सिंह, जो अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह है, जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। तो अब हरबख्श सिंह जी को जब जनरल चौधरी जी ने कहा कि चौधरी साहब कि ना आप वापस आ जाओ यहाँ अम्बाला, और अम्बाले से जो है हम फिर जो है जो ये टैंक आएंगे उनसे लड़ाई करेंगे, तो हरबख्श सिंह ने बात करने से मना कर दिया। अगर वो बात कर लेता तो उसको आना पड़ता, नहीं तो उसका कोर्ट मार्शल हो जाता है। तो उसने कैप्टन को कह दिया, कैप्टन ये ऐसी बात कर रहे ना, तो उसको कह दे हरबख्श सिंह कैनॉट बी कॉन्टेक्टेड,
he has gone inside the battlefield. It cannot be contacted. He will meet you 5 p.m. in Ambala. चाय पे मिलेंगे शाम। तो हरभाग सिंह जी ने सबको मच्छरदानियां डाल दी सैनिकों को। तो आपको पता है जब मच्छरदानी डाल देंगे तो जब मच्छरदानी में मच्छर नहीं घुस सकता तो टैंक का गोला कैसे घुसेगा। तो हरभाग सिंह जी ने क्या किया, गन्ने के खेत, गन्ने के खेतों में पानी डाल दिया, गन्ने के खेतों में पानी डाल दिया और उसके अंदर जो है वो मतलब जो एंटी टैंक माइन जो नहीं था वो सुनील शेट्टी जी जी टैंक के नीचे डाल देते, डाल दिए। अब रात को क्योंकि टैंक वहां पर खड़े हुए थे, सवेरे जब वो टैंक चले तो फंस गए, फट गए। बाकी जो बचे तो जैसे सन्नी, जैसे सुनील शेट्टी छाती पे बांध के लेट गया, तो सुनील शेट्टी की तरह वाकई में एक्चुअल में हमारे सैनिक जो है ने अपनी जाने दी थी। ये थे हरभाग सिंह जी को, हरभाग सिंह जी को मिला था महावीर चक्र, सिर्फ महावीर नहीं, महावीर चक्र मिला था, ठीक है, ही गॉट महावीर चक्र, ठीक है, पद्म विभूषण भी मिला है, ठीक है, ठीक है। तो अब जो है इन जनरल हरभाग सिंह को अगर मैं सर्च करता हूँ गूगल पे ढूंढना मुश्किल, मतलब कितने शर्म की बात है हम हमारे को कि इस हरभाग सिंह जी को हम जानते नहीं, मतलब देश के लोग जानते। लेकिन फर्क क्या है कि इस समय पे जो शास्त्री जी हैं, शास्त्री जी ने खुला दे दिया भाई जो तुमने करना करो। शास्त्री जी ने अपनी टांग नहीं अड़ाई, इतना जरूर है। और शास्त्री जी डरे नहीं, क्योंकि डरे नहीं तो उनका कत्ल हो गया, आपको पता ही है। मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक। इसके बाद पता है अब इंदिरा जी आए, तो इंदिरा जी है, नेहरू जी हो गए 5-8-12, शास्त्री जी हो गए 10-11, इंदिरा जी होगी 7-8-12। झगड़ालू प्रवृत्ति की औरत थी, आपको पता है कितने कत्ल किए उसने, उसका कोई हिसाब नहीं है। त्रिपात्री जी महाराज को उसने उन्होंने कहा इंदिरा जी ने कि भाई आप मुझे प्रधानमंत्री बनवा दो। त्रिपात्री जी महाराज की उतनी इज्जत थी जो आप में इस समय पे कोई ऐसा संत हिंदुस्तान में है नहीं, जितने उतनी मानी जाती थी पॉलिटिशियन ऐसे लेटते थे उनको। और उनका रीजन था ही वाज सच अ सेंट, मतलब संत, नामी संत थे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं सबको कह देता हूँ तू बन जा प्रधानमंत्री, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इतना चाहिए कि गो हत्या जो है हिंदुस्तान में बंद करा देना जब तू प्रधानमंत्री बन जाए। तो ये बन गई 66 में, तो गोपाष्टमी वाले दिन, ठीक है ना, काउ स्लॉटर, स्लॉटर 1966, ठीक है, इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जो 1966 के अंदर एंटी काउ स्लॉटर एजिटेशन हुआ, इसने बात मानी नहीं, तो त्रिपात्री जी महाराज जो है उन्होंने संतों के साथ जो है मिलके पार्लियामेंट को घेर लिया। इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवा दी। अब देखो मोदी की हिम्मत है कि दिल्ली को इन्होंने घेरा, किसानों को तुम गोली चलवा दे, लठ भी नहीं बजवा सका। इसने गोलियां चलवा दी, आपको विकिपीडिया में नहीं दिखेगा कहीं भी कितने संत मारे गए, या नहीं दिखेगा, यू वोंट फाइंड इट। चलो अब हम कुछ कर नहीं सकते इसमें, बट सैकड़ों मतलब मारे गए, ठीक है। त्रिपात्री जी महाराज ने तब इसको श्राप दिया था कि जिस तरह से तूने जो साधुओं की हत्या करवाई है, ठीक है, उस तरह से तेरी छाती भी छलनी होगी और तेरे जो वो होंगे क्या नाम है बच्चे भी, शायद आई डोंट रिमेम्बर नाउ, उनका भी यही होगा। तो आपको पता है जो उनकी क्या हालत हुई थी, ठीक है, ये स्वामी के पात्र हैं, ठीक है, ठीक है। तो उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, मार दिया मतलब सॉरी इसका सॉरी इंदिरा गांधी की छाती में कितनी गोलियां लगी आपको पता है। राजीव गांधी और संजय गांधी पूरे नहीं मिले थे, टांग पड़ी मिली थी राजीव गांधी का। और इतने मतलब कमाल है हमारी जुडिशरी, ये आउट ऑफ द कोर्स बात कर रहा हूँ,
उसको खैर ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ही वॉज नॉट देन प्राइम मिनिस्टर बट ही हैड बीन अ प्राइम मिनिस्टर हु हैड बीन मर्डर्ड द मर्डरर्स हैव बीन उनको छोड़ दिया गया अभी 10 दिन 12 दिन पहले की बात ठीक है तो इंदिरा गांधी ने संत मरवाए ठीक है नेहरू और गांधी ने मिलके सिख हिंदू मुसलमान सब मरवाए फिर जो है तुर्कमान गेट में जो है 75 या 76 होगा तो तुर्कमान गेट में भी मरवाए इन्होंने क्या नाम है संजय गांधी ने मुसलमान मरवाए तुर्कमान गेट नहीं नहीं नॉट शैया ये इनको वहां कराया इमरजेंसी में जब जगमोहन ने गंदगी साफ की जगमोहन के बुलडोजरों ने दिल्ली के तुर्कमान गेट पर जो है वो बुलडोजर चलाए तो उस समय पे जो है मतलब सैकड़ों हजारों जो है वो मुसलमान मारे गए तो उस समय पे जो ये नहीं था क्या नाम है ये बाबरी जामा मस्जिद का इमाम था तो वो बोल रहा था कि बुलडोजर मेरी छाती पे चढ़ेगा तो जगमोहन ने फोन किया संजय गांधी को कह रहा छाती पे चढ़ेगा वो चढ़ा दो तो भाग गया था वो और इट वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मतलब इंडिया कि मुसलमानों ने मतलब तब बीजेपी नहीं थी लेकिन बीजेपी का साथ दिया था इन द नेक्स्ट इलेक्शन अगेंस्ट कांग्रेस जस्ट आई एम टेलिंग द हिस्ट्री तो मुसलमान भी मरवाए 84 में इंदिरा गांधी मरने के बाद सिख मरवाए 26,000 जो है पंजाब के अंदर जो सिख टेररिज्म का जो कार्ड खेला है तो उसके अंदर 26,000 हिंदू मरवाए जिनकी कोई बात नहीं करता तो कहने का मतलब है इंदिरा गांधी ने और नेहरू ने मिलके हिंदू मुस्लिम सिख मरवाए ईसाई नहीं मरवाए ये काम देखो ये पप्पू का वो करे मर्जी करे मेरे को पता नहीं है लेकिन उसके बाद जब इंदिरा गांधी के बाद जब मुरारजी भाई आए 77 के अंदर तो कई मतलब वो जी पार्टियां थी तो मिले दल मेरा तुम्हारा तो मिलके बने दलदल हमारा तो कई दल तो दलदल ही बन गया तो खत्म हो गई पार्टियां इसके बीच में मैंने जो है चरण सिंह लिखा नहीं चरण सिंह मैंने लिखा नहीं मुरारजी भाई के बीच में चरण सिंह तो मैं खा गया क्योंकि चरण सिंह साहब जो बने थे वो एक ही दिन के हैं मतलब लीगली एक दिन के हैं वैसे वो 6 महीने एंटी वो एक्टिंग रहे चरण सिंह साहब तो उनका कुछ रोल नहीं है तो मैंने लिखा नहीं था फिर इसके बाद फिर इंदिरा गांधी बन गई 80 में मई में ही इसकी डेथ हो गई एयर क्रैश से संजय गांधी की फिर इंदिरा गांधी के मरने के बाद राजीव गांधी बन गया राजीव गांधी का क्या था क्लीन ही बिकेम अनक्लीन कैसे अनक्लीन आया तो जो ये है अपने मुकेश भैया के जो पापा जी गए तो वो मिलने गए बोलते हैं इंदिरा गांधी कुछ पैसे रखी थी मेरे पास वो आप रख लो तो ऑयल रिफाइनरी शुरू हो गई इंडिया में तो उसको करप्ट करने वाले धीरू भाई थे उसके बाद वीपी सिंह ने उसकी टांग खींचनी शुरू की ये एआश टाइप के लोग थे रजीव ये सारे ये घूमने पिकनिक मनाने चले गए विक्रांत नेवी के शिप विच इज फॉर आवर सिक्योरिटी कल को कोई अटैक कर दे ये अपना पिकनिक मना जस्ट इमेजिन और इंडियन पब्लिक इज नॉट बॉदर्ड ठीक है राजीव जी छुट्टी तो मनाएंगे ना योगी छुट्टी मनाए एक दिन पिकनिक मनाए जरा ये पीछे पड़ जाएंगे सारे के सारे कुत्ते की तरह वो मनाया जरा क्या नाम है वो झाड़ू वाला कौन है कोई बात नहीं लाइलामा कर ले कोई बात नहीं है इसके बाद आगे हमारे वीपी सिंह हाय हाय मैंने हाय हाय इसमें लिखा कि हाय हाय बहुत होती थी इसकी बेचारे की उसका मैंने भी हाय हाय इसलिए लिखा यहां से कास्ट पॉलिटिक्स शुरू होती है इंडिया के अंदर तो जनता पार्टी जो 77 में बनी थी 1977 में जो जीती थी और बनी थी उसके फैक्शंस बन गए बड़े सारे कोई जाट का है कोई इसका है कोई उसका है तो बहुजन समाज पार्टी उसके बाद धीरे धीरे वो भी बन गई
90s के अंदर, और वीपी सिंह से शुरू हुई है, तो फिर मुलायम सिंह यादव उसके बाद बन गया, फिर मतलब ये वीपी सिंह की पार्टी फर्दर टूटी जनता दल, तो फिर बड़े सारे बनते चले गए, तो ये यहाँ से कास्ट पॉलिटिक्स आई है जिसको बीजेपी ने या मोदी जी ने अब खत्म कर दिया। देयर इज नो कास्ट पॉलिटिक्स, थोड़ी बहुत बची हुई है टूटी फूटी सी, बट अब वो खत्म हो गई। भाई यादव अलग से वोट दे रहे हैं अपना, तो उससे वो पार्टियां जीत रही हैं, अब जीत नहीं रही, पॉलिटिक्स स्टिल रिमेन्स बट वो जीतती नहीं। हरियाणा में जाट आते नहीं, वो यादव और मुस्लिम कार्ड अब चलता नहीं, ठीक है ना। अब आगे फिर इसके बाद वीपी सिंह हाय हाय के बाद आगे चंद्रशेखर, राजीव भाई ने गलती की थी, वो ले आया था कंप्यूटर, कंप्यूटर तो सारे बोलते हैं वो ले आया, लेकिन उसका फॉलो आउट नहीं बताते। कंप्यूटर जब लाया तो वो लोन लेके आया, जब भी कंट्री लोन लेती है तो बहुत लॉन्ग इयर्स का लोन लेती है, 50 साल 40 साल इस टाइप से। हम भी अगर हाउसिंग लोन लेते हैं तो कितने साल का लेते हैं, 20 साल का लेते हैं, 15 साल का लेते हैं। कार का लोन लेते हैं 3 से 5 साल का लेते हैं, ये लल्लू ने 5 साल का लोन लिया कंप्यूटर से। अब जब ये चला गया तो उतारना किसको है, चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर के पास पैसे कहाँ है, कंप्यूटर से कमाई तो हुई नहीं, अब लोन लोगे तो कमाई होनी चाहिए ना, मैंने लोन लिया यहाँ पर तो चंद्रशेखर को क्या करना पड़ गया, सोना रखना पड़ गया। उसको उतारा किसने, नरसिंह राव ने। नरसिंह राव जो है इज द पीएम, द फर्स्ट पीएम आफ्टर शास्त्री जी। शास्त्री जी का मैं इतना नहीं कहता हूँ, ही डिडंट गेट एनी मच टाइम, और एक वॉर भी होगी तो अब उन्होंने जो किया उतना हाईलाइट होता भी नहीं, और क्योंकि वो नेहरू परिवार के नहीं थे, हिस्टोरियन ज्यादा बोलते भी नहीं। नरसिंह राव वॉज द टाइम, जो टर्निंग पॉइंट था हमारे इंडिया में, जो आप आज कारें कूरे ये सब कुछ देख रहे हो, नरसिंह राव, मनमोहन सिंह की वजह से नहीं, नरसिंह राव की वजह से लोग मानते नहीं उनको, बात अलग है। तो इनका कहीं 2611 होगा, तो जिन जिन के 2611 होंगे वो देश को ऊपर ले जाएंगे, जैसे शास्त्री जी हैं 1011 है 611 है, ये जीतेंगे ऊपर लेके जाएंगे, बाकी सारे 5, 8, 12, 7, 8, 12 ये इंदिरा गांधी 7, 8, 12 है, ठीक है। अब हो गया नरसिंह राव के बाद, आपको पता है हरदन हल्ली डोडा घोड़ा देव घोड़ा, सो बोल जाता था, लेकिन करप्ट तो थे ये छोटे छोटे, इनको पता है कुछ टाइम आना है पैसे खा के भाग जाने वाले, ये बदमाश था, सबसे बड़ा बदमाश है। आया 4 महीने के लिए, लेकिन इसने नुकसान जितना इसने किया है मैं बता नहीं सकता, कि नेहरू के बाद जो नुकसान करने वाला है यही आदमी, क्या नुकसान किया अब इसने आई के गुजरात में, इसने रॉ को खत्म किया, इस बंदे ने रॉ को खत्म किया हमारी, और रॉ के खत्म होने की वजह से पीएम इन ऑफिस फ्रॉम 21 अप्रैल 1997 टू 19 मार्च 1988, तो प्रैक्टिकली 11 महीने, बट 4 मंथ्स ओनली फ्रेंकली, 4 महीने ये जो है उसके बाद एक्टिंग पीएम रहा है, ठीक है। रॉ खत्म की, इसके बाद ही जो है टेररिस्ट अटैक करने लगे इंडिया पे, उससे पहले नहीं कर पाते, ठीक है, ठीक ही देखा ना, हाँ 1990, ठीक है। उसके बाद आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी, एबी वाजपेयी, वाजपेयी साहब की एक ही प्रॉब्लम, शादी नहीं हुई, जबकि शादी नहीं, उसको पता नहीं है जनानी को कैसे हैंडल करना, तो 3 जनानियों ने बहुत तंग किया उसको, एक यही ममता खुल करनी है हमारी ममता बनर्जी, दूसरी मोटी डेथ होगी उसकी जलिलता, एक शेख हसीना वाले बांग्लादेश वाले, बांग्लादेश वाले हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं, शेख हसीना वाले, बताओ यार हद हो गई यार। वाजपेयी साहब को पता ही, मतलब मेरे से भी स्लो बोलते थे, ठीक है, सोच सोच के बोलते वो, और ये तीनों जनानियां बहुत तंग करती, बट वाजपेयी साहब का देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में बहुत उन्होंने मदद की, लेकिन समस्या होगी सैंक्शन लग गई तो फिर इतनी स्ट्रेंथ नहीं रही, लेकिन जब एमएमएस को देखे गए तो 7% से ऊपर की हमारी ग्रोथ हो गई थी, जिसको एमएमएस ने तबाह कर दिया 10 सालों के अंदर। ये एमएमएस दोबारा पीएम इसलिए बन गया, किस्मत एक चीज होती है कि 2008 के अंदर लीमन ब्रदर्स वाला जो बखेड़ा हुआ वर्ल्ड में,
हमारे बैंक नहीं डूबे, उसका रीजन ये था हमारे बैंक स्ट्रांग थे, लोगों ने समझा कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर भी है भाई, अच्छा फाइनेंस जानता है, इसलिए इंडिया बच गया ना, इंडिया इसलिए नहीं बचा था, इसलिए इनकी 205 या 206 आ गई। तो ये दोबारा 2009 में बना गए, और कांग्रेस की हमेशा किस्मत अच्छी रही है, किस्मत ये अब ज्योतिष में पता चलेगी मुझे मालूम नहीं है। जैसे नेहरू जी की डेथ हो गई तो इंदिरा बाय डिफॉल्ट अगर बन गई है, तो इंदिरा की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, उसने साधु मारे, वो दोबारा जब इलेक्शन हुई तो उसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिली, उसको सपोर्ट मिली कम्युनिस्टों की, लेकिन वो 71 की वॉर जीत गई। अब 71 की वॉर जीत गई, लोगों ने समझा कि इसकी वजह से जीती है ना, इसकी वजह से नहीं जीती, वो हमारी आर्मी की वजह से, जनरल मानेकशॉ की वजह से। जनरल मानेकशॉ ने ही कहा था सर्दियों में लड़ाई करी जाइए, गर्मियों में नहीं या बरसात में नहीं, क्योंकि मतलब बारिश इतनी पड़ जाती है, लड़ कह सकते हैं। तो उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया, 93,000 इन्होंने फोर्सेस को अरेस्ट किया, 8-9 महीने खिलाया, उसके बाद छोड़ दिया फॉर फ्री, कौन सा दर्रा दे दिया उनको, कौन सा पास दे दिया, ठीक है खैबर कौन सा पास है यार नाम भूल गया, जहां से ये जो वो आते हैं सारे टेररिस्ट वहीं से आते हैं, नहीं खैबर पास नहीं यार, वो मैं भूल गया अभी, मैं बता याद आएगा तो बता दूंगा, वो वापस दे दिया आपने, 1,00,000 मतलब 93,000 फौजी वापस कर दिए, तुमने कश्मीर नहीं लिया, कम से उनको डिसआर्ममेंट कर देते, नहीं तो इजराइल वाला काम करते। इजराइल ने क्या किया था, इजिप्ट की आर्मी को जब पकड़ा था तो उन्होंने सैनिक दे दिए थे, और उसके फौज जो जो कमीशन जो थे वो रख लिए थे, कमीशन जो कैप्टन शैप्टन ब्रिगेडियर वगैरह वो रख लिए, तो वो रख लोगे तो वो आर्मी आर्मी मैन करेंगे क्या, जब तक तो उनको डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो वो लड़ेंगे कैसे, उनकी आम से मिनिशन सारी रख ली थी, उन्होंने सब कुछ वापस दे दिया। उन्हीं सैनिकों ने जाके फिर बलूचिस्तान में तबाही की, रेप किए, वही जो उन्होंने बांग्लादेश में किए थे वहां जाके रेप किए, बलूचिस्तान को तबाह किया। खैर नहीं, वो बात अलग है, बात हम आ रहे थे 71 के अंदर इंदिरा जी ने छोड़ दिया ये, लेकिन हम जीत गए, इसलिए 71 में जीतने की वजह से इन्हें तुरंत इलेक्शन करा लिया, फिर जीत गई, क्योंकि ये 77 के अंदर ये जो जो क्या नाम है ये मोरारजी भाई जो है सही तरह से चला नहीं पाए सरकार को, 80 में ये दोबारा बन गई, 84 में ये मर गई, राजीव गांधी मर गया, नरसिंह राव बन गया। अब कोई मरेगा तो भी कांग्रेस दोबारा नहीं आ सकती सत्ता में, अगर कोशिश करे भी कि भाई चलो सोनिया गांधी मर जाए या राहुल गांधी मर जाए, अब लोग नहीं मरने पे वोट नहीं देने वाले। तो 2009 में ये दोबारा मर गए, और 2009 में ये बाई चांस बन गए, वो मैंने बताया आपको कि दुनिया भर की इकोनॉमी मर गई, और 2004 में बाई चांस बन गए, चांस क्या जो वोट परसेंट सॉरी एमपी जो है दोनों के बराबर ही आए थे, करीब 1-2 का ऊपर डिफरेंस है, ऊपर नीचे है, लेकिन सपोर्ट नहीं थी बीजेपी को बाकियों ने, तो ये कांग्रेस बन गई, किस्मत से बनी है। अब इसके बाद वाजपेयी साहब के बाद एमएमएस है, एमएमएस के टाइम पे ये आ गया, जो इंदिरा गांधी के टाइम पे हम बच्चे होते थे तो होता था कोई अगर पैसे लेता है कोई सरकारी आदमी तो हमारे माँ बोल रहे थे कि उससे उसके बच्चे के साथ नहीं खेलना, क्योंकि उसका बाप रिश्वत लेता। एमएमएस के टाइम पे ये आ गया कि देखो चपरासी है, कितनी मेहनत की है, 4 मकान बनाए हैं इसने, ये डिफरेंस आता है ऊपर से लेवल से करप्शन का। तो जो 25 करोड़ की दलाली के ऊपर राजीव गांधी के ऊपर कलेश पड़ा था बोफोर्स का, ये 1980s की मैं बात कर रहा हूं, 1,76,000 करोड़ के इल्जाम थे खुले, ये डिफरेंस है। और 133 करोड़ रुपया जो है माफ किया था
गेहूं का और जो बाकी का अमेरिका ने हमें, नहीं तो हमारी इकोनॉमी खत्म हो जाती। आज 133 करोड़ रुपया क्या चीज है, टटपूंजी मतलब छोटे मोटे आदमी के पास 133 करोड़ है। अगर आप गुड़गांव चले जाओगे तो कई लोग मिल जाएंगे आप, मैं दिल्ली की तो बात ही नहीं कर रहा, बंबई की तो बात ही कर रहा, गुड़गांव इज नोबडी, गुड़गांव इज नोबडी इन इंडिया, गुड़गांव इज नोबडी मतलब कुछ है ही कुछ नहीं बंबई से अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है ना। अंबानी को खड़ा कर दें तो वो मतलब 10-12 कंट्री मतलब घोल के पी जाए अच्छी खासी, जितना उसके बाद पैसे, ठीक है। अब MMS के बाद आ गया नमो, नमो का 10-11 बहुत, ठीक है ना, देख लेते हैं। उसकी पत्री लगानी पड़ेगी, एक सेकंड लगेगा। अब जो मोदी जी हो गए, तो मोदी जी हो गए हमारे 10-11, ठीक है ना। अब मोदी जी 10-11 हो गए तो इसका मतलब ये हो गया कि हिंदुस्तान तरक्की करेगा। अब कर रहा नहीं कर रहा मुझे पता नहीं है, बट इट मींस दिस 10-11 का मतलब ये है, ठीक है। और पीछे जैसे मून की दशा चल रही थी तो हमारी हालत बड़ी खराब थी पीछे, कोरोना वरोना में मून में वीनस में 8-12 कभी चीन चढ़ जाता था हमारी छाती पे, कभी कोई चढ़ जाता, पाकिस्तान ने अटैक करा दिया, ईरान अपना करा दिया, बट अब लेकिन अब मार्स रहा हुआ है 10-11 आया, तो इसका मतलब वी आर डेस्टिन टू प्रोग्रेस। आज की हालात ये है, आज के हालात ये है कि यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई तो अमेरिका और यूरोप ने सैंक्शन लगाई रशिया पे, तो रशिया ने तेल दिया डिस्काउंट पे हमको, रिफाइन किया अंबानी ने, हमने बेचा बाइडन को, क्योंकि बाइडन ने सैंक्शन लगा दिया। प्रॉफिट किसने कमाया, इंडिया ने। लड़ाई किसकी हुई, पुतिन और यूक्रेन की। सैंक्शन किसने लगाई, बाइडन और यूरोप ने। हम तेल इंपोर्ट करने वाले, हम तेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसको, जो सैंक्शन लगा रहे हैं। और बाइडन किसको बेच रहा है, यूरोप को। यूरोप कौन है, मूर्ख सबसे बड़ा, शाणे कौन, गुजराती मारवाड़ी। पैसा कौन कमाएगा, जैन गुजराती और मारवाड़ी। दुनिया में पैसा एक ही आदमी कमाएगा, जैन गुजराती मारवाड़ी एक ही है, खास लंबा चौड़ा पर नहीं, एक दूसरे और होते हैं आनी आनी सारे, पूरे सिंधी भी होते हैं, वो भी पैसा बहुत कमाते हैं। तो यही है, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी के जो की अगर पत्री में 10-11 तो देश रखी, तो कहने का मतलब है अगर मैं झगड़ालू प्रवृत्ति का आदमी शराब पी के घर पहुंचता हूं तो मेरे बच्चे भी मन है मेरे घर में शांति नहीं रहनी, ठीक है। मेरा बच्चा पी आएगा दो चपेट मार, घर की शांति को नहीं मांगने दूंगा, आइयो मत टांगे के। तो इसका मतलब यह है कि अगर हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ एनी कॉर्पोरेट जो है, अगर नीचे कोई बखेड़ा होता है तो उसको कंट्रोल कर लेगा, लेकिन वही अगर करप्ट और खराब है तो कुछ नहीं हो सकता, उसकी जन्म पत्री इंपॉर्टेंट है। वही है, आप देख लो कि भाई दिल्ली का क्या हाल है, और दिल्ली के साथ सटा गुड़गांव। अब जब दिल्ली से गुड़गांव जाते हो तो आपको लगता है फॉरेन कंट्री में आ रहे, और दिल्ली जाते हमको लगता है अब हम जो है गाँव से, और दिल्ली इज कैपिटल ऑफ कंट्री। आप जो है केजरीवाल छोड़ो यार, क्यों मूड खराब कर, उसकी है 16 अगस्त 1969 आती है इसमें, लेकिन 69 है, डेस्टिनी 4 है, ठीक है। तो आप उड़ीसा जाओ, इंडिया की जो आप टॉप सिटीज की बात करो तो भुवनेश्वर नंबर 1 में जाके कहीं खड़ी होगी, तो हम लोगों को पता भी नहीं है। मध्य प्रदेश, ठीक है, भोपाल कमाल सर जी, वो जो है ना इंदौर में जो सेंटर है जैसे, बिल्कुल ना, वो तो पुराना ही होता है जैसे भी दिल्ली की पुरानी दिल्ली है, लेकिन भुवनेश्वर में वो पुराना भी नहीं है। गांधीनगर अहमदाबाद में पुराना अहमदाबाद, लेकिन अहमदाबाद का जो आउटर है सर, मैं बोल नहीं, पता नहीं सकता, बियॉन्ड इमेजिनेशन।
और 2005 में भी जब मैं गया था, मेरे को लगता था मैं 20 साल पीछे मतलब दिल्ली से गया था, आज अहमदाबाद क्या होगा मुझे मालूम नहीं, मैं गया ही नहीं, तो बहुत आ गया। तो ये लोकल जो सीएम्स हैं वो अपनी स्टेट्स को उठाएंगे, ठीक है ना, लोकल सीएम है। अब योगी जी जो अब है सीएम, तो मैं पता करता हूँ वहां, तो बोलते नहीं जी धंधा तो चला गया जी, सब कुछ खत्म हो गया जी, औरतों से पूछो बताती है आप धंधा गया क्या गया, मौजा बच्चा हिम्मत नहीं है वे बात, ठीक है। तो जो हमें पत्री देखनी है जिंदा आदमी, जिसके अंदर आत्मा नहीं है, हृदय नहीं है कुछ है, उसकी जन्म पत्री नहीं देखनी है, क्योंकि हिंदुस्तान कब बना था, बना का तो किसी को पता ही नहीं भाई, नो बडी नोस। 15 अगस्त 1947, ठीक है, ये जस्ट वैसे लेक्चर था आज, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो आगे से आपके ऊपर पत्री आए किसी की, तो आप कॉर्पोरेट की नहीं लगाएंगे, आप उसके सीईओ की लगाएंगे, एमडी की, ठीक है, ओके। सब लगन लगा देते हैं इंडिया, अच्छा समाप्त होती है। फिर मैंने कृषि दर्शन कार्यक्रम में समाप्त है, आगे आपको सूरजमुखी के बीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी। अगली क्लास भी 4 बजे ना, हाँ जी 4, अब क्लास 4 नहीं क्लास।